शक्यम अयोध्यानाम नापि राजन्य भक्तिमान। ये भी कितनी बड़ी बात है, अयोध्या में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जाता है जो राजन्य भक्तिमान ना हो, माने जिसमें राष्ट्र भक्ति ना हो, ऐसा एक व्यक्ति भी अयोध्या में नहीं देखा जाएगा। कितनी बड़ी बात है। आज जिन लोगों को हमारे युवक अपना आदर्श मानते हैं, वो बोलते हैं हमें भारत में रहने में हम अनसिक्योर हैं, हमें भय की आशंका है कि यहाँ कोई हमें मार ना दे। जिस देश में तुमने करोड़ों रुपए कमाए हैं, करोड़ों लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, करोड़ों लोग तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं, और तुम्हारे मन में इस देश के लिए इतनी भी भक्ति नहीं है, तुम गीत गाते हो विदेशियों के, ऐसे लोगों को तो देश में रखना या नहीं रखना इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए सरकारों को। राष्ट्र भक्ति की तो बात छोड़ो, दूर है। रोजाना सीमा से शव तिरंगे झंडे में लिपट लिपट करके आते हैं, ऐसे जो साधारण परिवारों में पैदा हुए बेचारे, वो देशभक्ति से युक्त होकर के और देश के दुश्मनों से युद्ध करते हुए जूझते हुए वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, और इनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है। ये ऐसे ही मोटी चमड़ी के रोजाना, मतलब इनको कोई लेना देना नहीं, कितने आज शहीद हो गए, कितने मांगों के सिंदूर पूछ गए हैं, कितनी बहनों की राखियाँ उनके भाई छिन गए हैं, कितने बच्चों के पिता उनसे छिन गए हैं। उनके परिवार की नजदीक से जाके स्थिति कभी देखें, कैसे छोटे छोटे बच्चे उनके बिलखते रह गए। अब पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे मिल गए तो वो उससे मनुष्य का जीवन वापस थोड़ी आ सकता है। और कहां यहाँ के लोग हैं, हर व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति है। तो जैसे कई देश हैं अभी भी, अब जापान छोटा सा देश है, लेकिन वहां कोई जाके तो दिखाओ उन बच्चों के अंदर ऐसी राष्ट्रभक्ति भर देते हैं। और भी ऐसे छोटे छोटे देश हैं, मतलब उसका हर व्यक्ति, हर नागरिक एक सिपाही है, एक संत है, और वो जा करके उनको दिखाते हैं अपने बच्चों को कि ये जो है हिरोशिमा और नागासाकी, उस पे जो परमाणु बम डाल करके और वो जो तबाही की थी, वो अपने बच्चों को जो तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे होते हैं ना, सबसे पहले वहीं टूर करवाते हैं कि देखो यहाँ से हमने उठाया है देश को बच्चों, तो तुम्हें भी अब इसी प्रकार से पुरुषार्थ करना है। तो वो अपने वो दिखाते हैं, अपने देश की राजनीति सिखाते हैं। हमारे यहाँ तो संसद भवन के आसपास कोई चला जाए तो ही उसको पीट पीट के बेहाल कर दें, और वो अपने बच्चों को दिखाते हैं कि यहाँ तक तुम्हें आना है और तुम्हें इसको सुरक्षित रखना है, इस संसद को, ये तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। या तो तुम स्वयं यहाँ आओगे, या तो जिनको भेजोगे वो कैसे लोग यहाँ होने चाहिए, यहाँ बैठने वाले ही। तो ये बचपन से उनके माइंड में भर देते हैं संस्कार। तो यहाँ अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राष्ट्र भक्ति से रहित हो। सैनिक तो सैनिक हैं ही, लेकिन यहाँ की जो आम जनता है वो भी वक्त पड़ने पर सैनिक का ही काम करती है, सब में राष्ट्रभक्ति भरी पड़ी है। और वर्णेषु अग्र चतुर्थेषु, चारों वर्णों में जो अग्रणी अर्थात ब्राह्मण, वो कैसे हैं, देवता अतिथि पूजकाहा, वो अतिथि को देवता समझते हैं और देवता समझ करके उनकी पूजा करते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है। आज अतिथि आ जाए तो क्या करते हैं, अतिथि तो छोड़ो, आज तो अपने परिवार वाले ही आ जाएंगे। अतिथि तो वो होता है जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं है, कोई ऐसा साधु संत महात्मा, कोई भिक्षुक रात में चलता हुआ और वो रात हो गई तो कोई उसको, उसने ये तिथि तो दी नहीं थी कि मैं उस तिथि को आपके घर आऊँगा, जाते जाते रात हो गई तो जाके पूछता है कि भाई रात को रुकने का, थोड़ा विश्राम करने का अवसर मिल जाएगा क्या। तो बिना तिथि के जो ऐसे ही आ गया उसको अतिथि कहते हैं। और ऐसा कोई अतिथि जब आ जाता था तो ये लोग उसको देवता की तरह उसकी पूजा करते थे, जैसे हम देवों की पूजा करते हैं ना, कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमारे घर पता लगा कि गणेश जी आ गए, गणपति बप्पा मोरिया उसकी बुलाते हैं कि ये हमारे घर आए हुए हैं, तो उसकी पूजा कैसे करते हैं।
जैसे ये पूजा करते हैं, ऐसे उस अजनबी व्यक्ति की, अतिथि व्यक्ति की पूजा ये कैसे करते थे, देवता की तरह, और अपने वाले ही आ जाएं। तो आजकल तो जो अनजान है उसके लिए तो दरवाजा ही नहीं खुलेगा, अंदर से ही कैमरे में देख लेते हैं कि ये कोई हमारा पूर्व परिचित है या कोई अजनबी है। तो अजनबी है तो दरवाजा नहीं खोलेंगे। खैर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो आने वाले हैं वो सारे ऐसे धर्मात्मा पंडित ही होते हैं, उसमें भी चोर उचक के लुटेरे आते हैं। तो आज की जो व्यवस्था हमने बना दी तो उसमें ये भी एक समझदारी है कि दरवाजा नहीं ही खोलना चाहिए अजनबी के लिए, और पता नहीं वो किस भावना से, किस कामना से आया है। लेकिन ये जो बाहर भी हमने ऐसे लोगों की ये जो बना दी तादाद में, इसमें भी दोष किसका है, किसने बनाया उनको? तो कहीं ना कहीं हमें भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम सब उसमें शामिल हैं। हम ये नहीं कहते जी हमने तो उनको नहीं बनाया, नहीं, जो भी सारी सृष्टि में जो हो रहा है उसमें हर व्यक्ति का अपना एक रोल है, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि सब मनुष्यों का थोड़ा थोड़ा योगदान मिलाकर के ही देश बनता है, देश की व्यवस्थाएं बनती हैं। अब यहाँ तो चलो अजनबी के लिए तो दरवाजा ना खुले बात समझ में आती है, लेकिन अपने माता पिता भी कभी आने वाले हों, पति जब पत्नी से जाके कहता है कि छुट्टियां हो गई और अब की बार हम गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार आप गांव में ठीक से रह नहीं पाई थी और आपने कहा था कि हम गांव में नहीं आएंगे अगली बार, तो अब की बार माता पिता कह रहे हैं कि हम ही वहां पर आ जाएंगे, एक दो दिन हम बच्चों से मिल लेंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में बिजली भी नहीं आती है और कूलर एसी पंखा बच्चों को नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ही बच्चों को देखने के लिए एक दो दिन के लिए आ रहे हैं। ऐसा सुनते ही पत्नी का बीपी पूरा लो हो जाता है, या तो लो हो जाता है तो हाई चला जाता है, नॉर्मल नहीं रहता है। बोली मैंने बता दिया आपको इन दिनों में मेरे को मेरी तबीयत खराब होने वाली है, एडवांस में। बोले अपने होटल में कहीं बुकिंग करवा लेना, मेरे बस का नहीं है, या आपके यहाँ उनको कभी चाय चाहिए, कभी चटनी चाहिए, कभी रोटी चाहिए, कभी छाछ मांगेंगे, मुझे नहीं पता है, मेरे बस का नहीं है, अपना करवा लेना। ये कहाँ पहुंच गए देश को, कहाँ ये अतिथि मानते हैं, देवता अतिथि पूज्य कहा, और कहाँ अपने माता पिता भी जब अपने ही बच्चों के घर में आते हैं तो बेचारे ऐसे डरे डरे, ऐसे सहमे सहमे रहते हैं जैसे तो कहीं किसी विदेशियों के घर में चले गए हों, कहीं गिरफ्तार करने वाले आतंकवादियों के डेरे में पहुंच गए हों, कहीं ऐसे बेचारे डर डर के रहते हैं। तो ये गृहिणी का धर्म नहीं है, ये उसकी भक्ति नहीं है, ये उसकी कमाई नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसी बहनें होंगी जो महीने में लाखों रुपए कमाती होंगी, लेकिन अगर ये कमाई नहीं की तो वो लाख रुपए तो खाक मिलते 2 मिनट भी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपकी संततियां भी देख रही हैं। आज आप लाख रुपए भले ही कमा रहे हैं, लेकिन यदि ये कमाई नहीं कर रहे हैं, अपने बड़ों की सेवा, उनका सम्मान, उनकी पूजा, अतिथि पूजा, ये आप ऋषियों के बताए हुए इस मार्ग पे यदि नहीं चल रहे हैं तो आपका इससे बदतर हाल होने वाला है, ये आप निश्चित रूप से जान लें। क्योंकि आपके बच्चे जब बड़े होंगे ना, तब तक और ज्यादा ये विकृतियां विकराल रूप ले चुकी होंगी। इसलिए अगर अपने अपनी भी भलाई चाहते हैं, दूसरों की तो छोड़ो सेवा का भाव, अपना भी यदि आप कल्याण चाहते हैं तो अपने बच्चों के सामने वो खुद उदाहरण बन करके दिखाएं कि हम बड़ों की सेवा ऐसे करते हैं, ताकि उनके अंदर वो संस्कार बन जाए। बच्चे देखते हैं अपने घर में माहौल, जैसा माहौल होता है वैसे वो बन जाते हैं, उनको कुछ पढ़ाना नहीं पड़ता, सिखाना नहीं पड़ता है। तो अयोध्या नगरी के जो ब्राह्मण हैं वो कैसे हैं, ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी, तो जिनके पास ज्ञान है वो अतिथियों को देवता जैसे समझते हैं। वर्णीषु अग्र चतुर्थीषु देवता अतिथि पूज कहा, कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुतः। और वो क्या है, कृतज्ञ हैं और वदान्याश्च, और वो उदार हैं, और शूरा शूरवीर हैं, और पराक्रमी हैं। तो देवताओं के, अतिथियों की वो पूजा करते हैं, उनके कृतज्ञ रहते हैं।
पांच जो महायज्ञ बताई हैं, तो उसमें सबसे पहला जिसको हम संध्या कहते हैं, उपासना कहते हैं, उसको कहा है ब्रह्म यज्ञ। तो वो सब करते थे, ये पंच महायज्ञ बताए हैं। तो जो गृहस्थी हैं उनके लिए ये पांचों अवश्य ही करने योग्य हैं। माने कैसी भी स्थिति आ जाए, घर में कहीं भूकंप आ गया, घर में कोई आपदा आ गई, घर में किसी की मृत्यु हो गई, घर में कोई खुशी है, कोई विवाह शादी है, कोई बच्चा पैदा हुआ, कैसी भी परिस्थिति है अच्छी या बुरी, लेकिन ये पांच नहीं छोड़ना कभी भी, ऐसा ऋषियों का कहना है। ये पंच महायज्ञ कहे हैं। तो उसमें पहला है संध्या उपासना, हर परिस्थिति में उसके लिए जरूर टाइम निकालना चाहिए। नहीं तो हम जैसे ही घर में कोई फंक्शन होता है या घर में कोई गमी होती है तो हम उस दिन संध्या नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सबसे पहले उसी को छोड़ते हैं, फालतू का काम दिखता है हमें। ब्रह्म यज्ञ, दूसरा अग्निहोत्र। उन्होंने भी कहा ना कि हमारे राज्य में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है नाना हिताग्नि जो यज्ञ न करता हो। तो हमें ब्रह्म यज्ञ के साथ साथ देव यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर तीसरा है पितृयज्ञ, अपने माता पिता गुरुजन, और ये उसमें भी बताया, शरीर का तप बताया गीता में भी, देव द्विज गुरु प्राज्ञः पूजनम, इनका पूजन करना, देवों का, द्विजों का, प्राज्ञों का, सिद्धों का, उनका पूजन करना, गुरुजनों का पूजन करना, ये शारीरिक तप बताया है। आर्जवम ऋजुता, तो ऐसे ही ये तीसरा महायज्ञ है, इसको यहाँ कहते हैं पितृयज्ञ, अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, विद्वानों की, पंडितों की, द्विजों की, प्राज्ञ पुरुषों की, उनकी सेवा करना, ये तीसरा है पितृयज्ञ, क्योंकि उनके ऋण से हम उऋण नहीं हो सकते हैं। और उसके साथ ही चौथा है फिर अतिथि यज्ञ, जो अपने अतिथि हैं, जो अपने घर में आते हैं, तो उनको भी वो जब नहीं आते हैं कई दिन, किसी के घर में कोई अतिथि नहीं आता है, तो वो चौथे वाला यज्ञ जो है वो अधूरा रह जाता है। चार यज्ञ तो हमारे हाथ में हैं, लेकिन पांचवा यज्ञ जो है वो अतिथि के हाथ में है। अतिथि आएगा तभी तो हम उसकी सेवा करेंगे, अतिथि आएगा ही नहीं तो हम कैसे उसकी सेवा करेंगे और कैसे उसको दान दक्षिणा देंगे। अतिथि को अपने घर में लाके उसकी सेवा भी करना, साथ में जाते हुए उसको दान दक्षिणा देना, तब अतिथि यज्ञ पूरा होता है। तो रोज रोज तो अतिथि आते ही नहीं है, तो इसलिए जिस दिन अतिथि आ जाए उस दिन उस अतिथि के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये ऐसे ही होते थे, कृतज्ञ ही होते थे। तो यहाँ श्लोक में शब्द लिखा है कृतज्ञांश्च, उनके प्रति कृतज्ञ इसलिए होते थे कि भाई आपने आके हमारा पांचवा यज्ञ पूरा करवा दिया, वरना तो चार ही चल रहे थे बहुत दिन से, और हमारा कर्तव्य है गृहस्थियों का पांच महायज्ञ करने का। तो जब अतिथि आए तो अत्यंत खुश होना चाहिए, और वदान्याश्च उदार होना चाहिए उनकी सेवा करने में, क्योंकि मुश्किल से तो आए हैं, रोज तो आते नहीं है, तो खूब सेवा करनी चाहिए उनकी, अपने पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उससे, लेकिन हृदय पूरा खुला होना चाहिए, और उनको जाते हुए यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देना चाहिए, क्योंकि ये आप समझ लो कि दो चार छः महीने की दान दक्षिणा इकट्ठा ही दे दो, क्योंकि रोज रोज तो आएंगे नहीं अतिथि आपके यहाँ, तो आपका ये यज्ञ पूरा हो जाएगा अतिथि यज्ञ। और फिर पांचवा है बलि वैश्व देव यज्ञ, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, कौवे के लिए, चींटी के लिए, क्योंकि ये जो दूसरे प्राणी हैं तो ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए भी घरों में तो पहले ये प्रथा ही थी, बल्कि सबसे पहली रोटी बच्चों को नहीं दी जाती थी, हम तो गांव में रहते थे, तो पहली रोटी गाय के लिए और फिर उसके बाद कुत्ते के लिए, दो रोटी तो जरूर पहले निकलती थी, फिर उसके बाद कौवे के लिए, फिर उसके बाद चींटियों को, तो वैसे सुबह सुबह वो डालते थे, माता जी आटा डालते थे, फिर पक्षियों के लिए वो डालते थे, बाजरा डालते थे। तो बलि वैश्व देव यज्ञ गाँव के लोग फिर भी कर लेते हैं, शहर वालों को पता भी नहीं चलता है, करने का चांस भी नहीं है। तो ये पांच महायज्ञ बताए हैं जो सबको करने चाहिए। तो यहाँ पर ये अतिथि यज्ञ की बात चल रही है, तो कह रहे हैं जब अतिथि आते थे तो वहाँ के लोग उनके प्रति
कृतज्ञाश्च वदान्याश्च, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। अभी तो उल्टा हो गया, मतलब उनको वो कहेंगे हमें जाना है तो खुश होते हैं कि हाँ जाओ निकलो, दोपहर जाना था तो सुबह सुबह ही निकलो, बोले धूप हो जाएगी हैं। तो कृतज्ञ तो कहाँ हो ना, अभी तो मतलब वो बाहर जैसे लगते हैं। ये कृतज्ञ होते थे कि भाई बड़ी कृपा की आपने आकर के हमारा पूरा। वदान्याश्च उदार, उनका हृदय उदार होता था उनके प्रति कि भाई जो भी हम आपकी सेवा कर सके, और अभी ये जो हम आपको दे रहे हैं तो अगर कोई आपको कमी लगे तो आप हमें बता दीजिए। शूरा पराक्रमी होते थे, विक्रम संयुता, वो केवल ब्राह्मण जो है वो पढ़ने पढ़ाने का और ये देव अतिथि पूजा करते हैं इतना ही नहीं था, शूरवीर भी थे। आवश्यकता पड़े तो वो सिपाही का सैनिक का काम भी कर सकते थे, पराक्रमी भी थे शूरवीर भी थे। और दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रितः सहितः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य कैसे थे? दीर्घायुषः, दीर्घायु वाले थे। दीर्घायु तो अपने आप ही होंगे, क्योंकि आयु को नष्ट करने वाला एक काम भी करते ही नहीं है। आयु हमारी नष्ट किससे होती है? आयु नष्ट होती है हमारी गलत आहार से, गलत विचार से और पुरुषार्थ ना करने से। आज देश में जो बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां आज फैली हुई हैं, उन बीमारियों के कभी हमारे पूर्वजों ने तो नाम भी नहीं सुने थे कि ये होती क्या है। बीपी शुगर क्या होता है कभी गांव के व्यक्ति ने सुना भी नहीं था। उसने ये तो सुना था कि कभी कभी बुखार हो जाता है, कभी कभी खांसी जुकाम हो जाता है, इतना तो उनको मालूम था। लेकिन ये जो डिजीज हैं इनके तो नाम सुने ही नहीं कभी, तो ये पैदा कैसे हुए? उन लोगों को क्यों नहीं होते थे? क्योंकि एक तो वो पुरुषार्थी थे, मेहनत करते थे शरीर से। आज लोग मेहनत करते नहीं है, हर काम करने के लिए या तो मशीन आ गई और कोई एक दो छोटा मोटा हाथ से करने का काम है उसके लिए नौकर आ गए। तो ये नौकरशाही भी भारत के अलावा और कहीं मिलेगी नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जाओ कोई आपको नौकर नहीं मिलेगा, सब अपना काम खुद करते हैं। चाहे वो जॉब करने वाले हैं तो भी अपना जल्दी उठ के करते हैं। आप यूके में जाओ, यूएसए में जाओ, कहीं भी देशों में आपको नौकर नहीं मिलेंगे। भारत में एक सामान्य सा बेचारा जो 10-15 हजार रुपये जिसकी कमाई है, 20 हजार रुपये कमाई है, उसकी पत्नी भी बोलती है मेरी पड़ोसियों के तो यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन साफ करने वाली आती है, अगर मेरे यहाँ नहीं आएगी तो मेरा तो स्टेटस डाउन हो जाएगा, तो मैं ये काम नहीं करूँगी। और फिर राजी राजी यदि पति ना ला के दे तो फिर वो अपने दर्द बताने लगती है, अब मेरी कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मैं उठ नहीं पाऊंगी, उस डॉक्टर को दिखाओ, इसको दिखाओ। तो पति को लगता है इतना इसको लेके लेके घूमूंगा, इससे अच्छा तो 2-3 हजार रुपये में झाड़ू पोछे बर्तन वाली ला देता हूँ, तो ये तो खुश रहेगी, पीछे छूटेगा 3-3 हजार रुपये दे करके। तो यहाँ मतलब सामान्य कमाई है, जिस महिला को कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है वो भी अपने घर में नौकरानी को रखती है। तो एक तो पुरुषार्थ की कमी के कारण रोग हो रहे हैं, और दूसरा जब व्यक्ति कुछ काम नहीं करेगा तो दिमाग खाली, शरीर भी खाली, खाली दिमाग शैतानी का घर, कुछ उल्टे सीधे विचार करेगा। फिर वो महिलाएं फोन उठाती हैं, फिर अपनी माँ को करती हैं, माँ भी उधर खाली है, उसको भी कोई काम नहीं है, तो बैठ करके फिर दोनों चुगली करती हैं, ये अपनी सास की करती है, उधर से वो अपनी बहू की करती है। दोनों को ये नहीं पता है जो माँ अपनी बहू की चुगली कर रही है, बहू ऐसी होनी चाहिए, तो वो बेटी भी तो किसी की बहू है। मतलब वो अपनी बेटी के लिए ये चाहती है कि इसका पति और इसकी सास बिल्कुल इसके अनुकूल रहें, इसका पति वही करे जो मेरी बेटी चाहती है, इसकी सास इसके साथ वैसा ही बिहेव करे जैसी मेरी बेटी चाहती है। और तू कैसा कर रही है अपनी बहू के साथ? वो भी तो किसी की बेटी है ना। और तेरा बेटा यदि तेरी बहू की सारी बात माने तो तुझे कैसे लगता है? मतलब मेरे घर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन मेरी बेटी के घर में ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे फिजूल की बातें करते हैं घंटों। आज पता है मम्मी मैंने क्या बनाया? आज मैं 5 बजे उठी, मैंने इतनी मुश्किल से खाना बनाया, मैंने ये पकाया,
और ये लोग आए डाइनिंग टेबल पे, तो उसकी माँ ने तो इतना सा लिया, वो भी मतलब ऐसा मुंह बना के खाया, उसने इतना सा खाया तो भी मेरी कोई प्रशंसा नहीं की। आज मैंने इतनी सफाई की अपने घर में, जब मैं कर देती थी तो आप कितनी खुश हो जाती थी। मेरी सास तो एक शब्द तक बोलती नहीं है, फिर वो उधर से अपनी बहू का ये वार्तालाप, तो ये हमारे को रोगी बनाएगा या समाधि में पहुंचाएगा? ये हमारे मन को खुशी देगा ये वार्तालाप, ये तनाव में डालने वाला है? तो हम स्वयं इसके जिम्मेदार होते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति अल्पायु नहीं है, रोगी नहीं है, क्योंकि सब संतुष्ट हैं। कोई किसी को उल्टी शिक्षा नहीं देता है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, सब आध्यात्मिक हैं। भाई और कुछ भी काम नहीं है तो तू बैठ के गायत्री मंत्र का ही जाप कर ले, चलो घर में और कोई काम नहीं है तो। कोई भी काम नहीं है तो तू गीता रामायण उठा के उसका स्वाध्याय कर ले। कोई भी काम नहीं है तो तू ध्यान कर ले कम से कम, तू अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, तो तेरी खोपड़ी तो ठीक रहेगी, मस्तिष्क तो शांत रहेगा। कुछ भी नहीं है तो ये सारी चीजें हैं हमारे आयुष्य को लंबा करने वाली। तो दीर्घायुषो नरा सर्वे, सब मनुष्य लंबी उम्र वाले होते थे। अभी तो मुश्किल से 20 साल तक भी बच्चों में रोग आ जाते हैं। कौन सी आयु मैं बताऊं कि उस आयु तक बचे रहते हैं रोग से? छोटे बच्चों को भी रोग है अभी तो आयु का कुछ है। नहीं तो पहले हम ये कह सकते थे कि भाई 40-50 साल की उम्र आते आते रोग आ जाते हैं, 20-30 साल पहले ऐसे कहते थे। आज तो वो 40-50 साल की उम्र वाला भी वो भी ध्वस्त हो गई, वो सीमा रेखा भी। आज तो 20 साल के बच्चों को भी रोग हैं, और ऐसे ऐसे रोग हैं, ब्लड कैंसर जैसे रोग हैं। आज तो बिल्कुल छोटे बच्चों को भी, 10-12 साल के बच्चों को भी रोग हैं। तो वो कैसे दीर्घायु को प्राप्त करेंगे? 100 साल में पहुंचते पहुंचते क्या बनेगा? माने जिस बच्चे को 10 साल की उम्र में डायबिटीज है, 100 साल में क्या होगा उस बच्चे का? हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो 100 साल बचेगा भी कि नहीं बचेगा। और इस समय सब कैसे हैं? दीर्घायुषः दीर्घायुषः नरा सर्वे धर्मम सत्यम च संश्रिता, सत्य और धर्म का आश्रय में रहने वाले हैं। आज हम किसके आश्रय में हैं? असत्य के आश्रय में, दिखावे के आश्रय में, असुरता के आश्रय में। तो इसलिए हमारे जीवन भी छोटे हैं, खतरे में हैं। ये सब लोग रहते थे सत्य के आश्रय में, धर्म के आश्रय में। धर्म मैंने एक दिन पहले भी बताया था, धर्म कोई पंथ या किसी मजहब और उसकी पूजा पाठ की पद्धति, उसको धर्म नहीं कहा जा रहा है। धर्म जो है सामान्य धर्म, बेसिक चीजें वो हैं जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो सबको करना जरूरी है। चाहे पुरुष है या महिला है, किसी भी नौकरी को करता है, किसी भी घर के काम को करता है, कोई भी उसकी ड्यूटी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी मजहब से अपना रिश्ता रखता है, लेकिन ये सबके लिए जरूरी है। अहिंसक सबको होना चाहिए, सत्यवादी सबको होना चाहिए, चोरी न करना ये सबके लिए जरूरी है, अपनी इंद्रियों को, शरीर को, मन को संयम में रखना ये सबके लिए जरूरी है, अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक चीजें भर के ना रख लेना ये सबके लिए जरूरी है, शुचिता जीवन में, विचार में पवित्रता ये सबके लिए जरूरी है। जितना अपने को मिला है अपनी कर्म के अनुसार, भगवान की न्याय व्यवस्था के अनुसार, उसमें संतुष्ट रह के दूसरे से छीनना, दूसरे से जलना, दूसरों से ईर्ष्या न करना ये सबके लिए जरूरी है। फिर अपने सबके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष आते ही हैं, उनको फेस करना ये सबके लिए जरूरी है। इसको कहते हैं धर्म। और जो कुछ भी हमें मिला है सब ईश्वर की कृपा से मिला है, और जो हम कर रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से ही कर रहे हैं, वरना हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि जो निवाला मुंह में है उसको नीचे निगल तो लें। ये भी कोई शक्ति की कृपा से हम उसको नीचे ले जाते हैं, और नीचे चला गया तो अब उसके साथ धातुएं बनाना ये हम थोड़ी बनाते हैं।
तो हमारे तो छोटी छोटी क्रियाएं ईश्वर की कृपा से ही हो रही हैं, तो ऐसे ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना, ये है बेसिक धर्म। और जैसे मनुस्मृति में कहा, धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम, ये सामान्य लक्षण है। धृति धैर्य सब में होना चाहिए धैर्य, क्योंकि जब भी कुछ ऊंचा नीचा होगा जीवन में तो रक्षा कौन करेगा, रक्षा करेगा धैर्य। ये बाहर के इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ये रक्षा नहीं करते हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं। व्यक्ति के अंदर धैर्य होगा वो उसकी रक्षा करेगा, तो ये है असली धर्म। तो धृति क्षमा, अगर किसी ने आपका नुकसान कर दिया और आपका मन दुखी हो गया, तो अब इस दुखी मन को सुखी करने का उपाय क्या है, इसको कैसे हटाया जाए, उस व्यक्ति को क्षमा किया जा सकता है। बस यही एक तरीका है, क्योंकि क्षमा करके व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, और जब तक मन में प्रतिशोध का भाव रहता है तब तक अपना मन जलता रहता है, उसका तो क्या बिगड़ेगा, उसने तो जो गलती करनी थी सो कर दी। तो धृति क्षमा दम, अपने इंद्रियों को दमन करके रखना। अस्ते, किसी की चीज के लिए अपने मन में भाव ही ना है। अस्ते धृति क्षमा दमोस्तेम शोचम शुचिता, इंद्रिय निग्रह अपने इंद्रियों पे संयम, दूसरों के ऊपर संयम करने की बात वो ही करते हैं जिनका अपने ऊपर संयम नहीं है, जिनका अपने भावनाओं पे, अपनी कामनाओं के ऊपर, अपने अस्तित्व व्यक्तित्व के ऊपर तो कंट्रोल है नहीं, और दूसरे को डोमिनेट करते रहते हैं कि ये बच्चे भी मेरे कंट्रोल में रहें, ये बड़े भी मेरे कंट्रोल में रहें, ये पति भी कंट्रोल में रहें, अड़ोसी पड़ोसी भी मेरे ही कंट्रोल में रहें, ऐसे व्यक्ति चाहता है। ये वही व्यक्ति चाहता है जो जिसका अपना आपा उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया वो किसी को कंट्रोल नहीं करता है, उस वो तो सबके हृदयों को कंट्रोल करता है, वो भी अपने सद्गुणों से। तो यहाँ सारे लोग कैसे हैं, धर्म का और सत्य का आश्रय लेने वाले हैं। दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्मम सत्यम च संश्रिता, धर्म और सत्य के आश्रय में रहते हैं वो। तो ये गुण असली जो धर्म के, ये जब हमारे अंदर प्रतिष्ठित होते हैं तो स्वतः ही हमारे जीवन दीर्घ होते हैं। सहिता पुत्र पौत्रैश्च, अब आयु लंबी है तो पुत्र भी हो जाएंगे, पौत्र भी हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, लंबी आयु है तो सब कुछ देख लेंगे। तो कह रहे हैं पुत्र पौत्रों से युक्त हैं सब, नित्यम स्त्री भी पुरोत्तमे हैं, और रोजाना नित्य मतलब अपने स्त्री भी पुरोत्तमे हैं, महिलाएं बच्चे उनके बच्चे फिर उनकी बेटा बेटियां, मतलब वो पूरा का पूरा परिवार, क्योंकि आयु लंबी है सबकी और पीछे वाले भी सारे स्वस्थ हैं, तो ये जॉइंट फैमिली वाला जो सिस्टम है ये तब से चला हुआ है, तो सबके सब वहां पर साथ रहते हैं और सुख से रहते हैं। पुत्र पौत्रों सहित अयोध्या नगरी में सब बड़े आनंद से रहते हैं। तो राजा तो के तो ठाट बाट हैं ही हैं, लेकिन जो प्रजा हैं वो भी राजसी ठाट बाट से कुछ कम नहीं है, क्योंकि उनके भी जीवन का जो चेतना का स्तर है वो बहुत हाई लेवल का है उस समय। तो सब लोग धर्म में लगे रहते हैं, कर्म में भी लगे रहते हैं, और जो अहिंसा सत्य आदि जो जीवन के सुख के आधार हैं उनका बिना किसी कोताही के, बिना किसी आलस्य प्रमाद के वो सब पालन करते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है बाहर की, हम देश की ऐसी व्यवस्था बना सकें या ना बना सकें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने घरों में ऐसी व्यवस्था जरूर बनाएं, क्योंकि ये हमारी विरासत है। हम रामायण पढ़ करके और अपने घर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अपने जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो फिर रामायण पढ़ना और रामायण सुनना बेकार हो जाता है। तो हम कम से कम अपने घर में और अपने शरीर में और अपने जीवन में अवश्य ऐसा अयोध्या जैसा साम्राज्य लाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आज के पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही।
श्री गुरुभ्यो नमः।